अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सीएम ममता ने साल 2024 के चुनाव को बीजेपी और देश के नागरिकों के बीच की लड़ाई बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए सभी धर्मों के लोगों को एकजुट होना चाहिए। बता दें, इससे पहले सीएम ममता अपने राज्य की 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि अब उनके तेवर में नरमी देखी जा रही है।